रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय। अयोध्या में आयोजित होने वाला इस बार का दीपोत्सव भव्य और दिव्य होने वाला है। भव्यता ऐसी होगी जैसी आपने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। हो भी क्यों ना, प्रभु श्री राम 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद अपने घर में जो आए हैं, भगवान राम के अपने मंदिर में विराजमान होने के बाद ये पहला दीपोत्सव है जिसे देखते हुए रामनगरी अयोध्या में तैयारियां जोरों पर हैं। जहां 25 लाख दीप जलाकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के छात्रों सहित 30,000 वॉलंटियर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे। दीपोत्सव से पहले इन वॉलंटियरों द्वारा राम की पैड़ी को दीपों से सजाया जा रहा है, साथ ही भगवान राम की पूरी नगरी को रंग बिरंगी लाइटों से भी जगमग किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस बार के दीपोत्सव में 3 दिनों तक ये सजावट वैसे का वैसे बना रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि रामनगरी अयोध्या त्रेता युग की तरह नजर आए। जिस तरह त्रेता युग में लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद प्रभु राम अयोध्या पहुंचे थे और उनकी नगरी को सजाया गया था, इसलिए कुछ वैसा ही इस बार भगवान राम की नगरी को सजाया और संवारा जा रहा है। दीपोत्सव के उपलक्ष्य में हम यहाँ पर आए हुए हैं और हमें यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हम पहली बार यहाँ पे आए हैं और हमें यहाँ पे भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कितनी खुशी है आप लोगों को दिया दिखाने का पहली बार मौका मिला है? बहुत खुशी है हम लोगों को। जिस दिन हमें पता चला है कि हमें यहाँ पे मौका मिल रहा है तो हमने ये मौका गंवाने नहीं दिया है, हम तुरंत यहाँ पे आए हैं और ये हमारे लिए बहुत खुशी की भाग्य है हमारा कि हम यहाँ पर आए हैं इस उपलक्ष्य में। कितनी बजे तक ड्यूटी रहेगी आप लोग करना क्या करना? जी 4 बजे तक होगी जी। तो ये मतलब आप कितने दिन तक तैयार करके देना है इसको? जी 30 तारीख को दीपक जलेगा, उसके पहले हम लोग के सारी दीपक खाली दिया वो होंगे बिछाए जाएंगे यहाँ पे। आज हमारा दूसरा दिन है दीपक बिछाने का और 30 तारीख को यहाँ दिया जलेगा और यहाँ हमें बहुत भाग्य से ये उपलब्ध प्राप्त हुआ है जो हम यहाँ पे आए हैं अयोध्या में होने का ये भाग्य है और ये हमारा फर्स्ट टाइम है जो हम अयोध्या में दीपक बिछा रहे हैं और दीपक जलाएंगे भी। यहाँ पे जो है 5,000 स्क्वायर फीट में एक रंगोली बनेगा दिया से, जो कि उसमें 1,80,000 इसमें दिया मतलब दिए का इस्तेमाल हम लोग का इसमें चढ़ना है। कितने बच्चे इसमें लगे होंगे? इसमें हम लोग का करीब 200 बच्चे करीब लगे हैं, पूरे फाइन आर्ट के बच्चे इसमें शामिल हैं हम लोग। ये कैसी रंगोली रहेगी जो आप लोग बना रहे हैं? रंगोली एक स्वास्तिक के चिन्ह पे रहेगा, उस पर आधारित रहेगा, इस पर पूरे मानव जीवन पे आधारित एक रंगोली उस पर दर्शाया जाएगा। कहीं मंदिर वगैरह का भी जिक्र उसमें है क्या? नहीं, इसमें मंदिर वगैरह का जिक्र नहीं है, इसमें सिर्फ रंगोली दिए से ही बनाया जाएगा। इसकी तैयारी आप लोग शुरू कर चुके हैं? जी, इसकी तैयारी हम लोग 1 हफ्ता पहले से शुरू किए हैं, मतलब 1 हफ्ता 7-8 दिन पहले से हम लोग इसका तैयारी किए हैं। 8 जग इससे कल से काम हुआ है थोड़ा, अभी और 2-3 दिन काम इससे करना है। कल से क्या दिया बिछाने का काम शुरू कर दिया? अभी पहले मैंने स्केचिंग किया है, स्केचिंग अभी और करेंगे, उसके बाद कलर से पेंट करेंगे, उसमें कलरिंग होगा, जो बॉक्स रहेगा उसको कलर से भरेंगे, फिल करेंगे, उसके ऊपर हमें दिया से सजाएंगे इसको। रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की।